गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन योर हिस्ट्री क्लास। आपको स्क्रीन के ऊपर कुछ आर्टिफैक्ट्स नजर आ रहे होंगे। देखिए ये क्या है, ये बीड्स हैं मन के, जिनको आभूषण आदि में प्रयोग किया जाता था। देखिए ये अलग अलग शेप के हैं, ये आप देख सकते हैं बर्तन हैं, अलग अलग तरह की थालियां और मटके जैसे, और ये कुछ बीड्स को यूज करके कुछ मालाएं बनाई गई हैं, ज्वेलरीज वगैरह। और बीड्स में आप देख सकते हैं बहुत ही माइन्यूट बारीक बारीक छोटे छोटे बीड्स बनाए हुए हैं, बड़े भी हैं। और यहाँ आपको पोटरी कुछ मिट्टी के और एग्जांपल हैं जिन पर डिजाइंस बनाई गई है। तो बेटा ये सारी जो चीजें हैं इन्हें कलेक्टिवली हम शिल्प कार्य कहते हैं, शिल्प कार्य। तो इसी शिल्प कार्य का एक बेस्ट एग्जाम्पल हम देखने जा रहे हैं हड़प्पा के एक मेन साइट चनहुदड़ो। चनहुदड़ो बेसिकली पाकिस्तान में स्थित है और ये शिल्प उत्पादन का सबसे प्रमुख स्थल है। शिल्प कार्य में क्या क्या चीजें हम शामिल कर सकते हैं, देखिए मनके बना सकते हैं, यानी हड़प्पा लोगों ने मनके बनाए, शंख से बहुत सारी चीजें बनाई, धातु यानी मेटल के बहुत सारे वर्क किए, मेटल के बर्तन कहते हैं, ये बेसिकली कांस्य धातु को यूज करते थे, ब्रॉन्ज को, उसके आभूषण, उसके टूल्स वगैरह, मोहरों का निर्माण यानी सील्स बनाई, और मापतोल के बाट। तो शिल्प कार्य में इस तरह की बहुत सारी चीजें शामिल हैं। अब हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, जैसे मन के निर्माण। तो कोई भी चीज बनाई, जैसे हमने उदाहरण लिया मन के निर्माण का, तो उसको बनाने के लिए हमें रॉ मटेरियल यानी कच्चे माल की आवश्यकता होती है। तो विभिन्न प्रकार के कच्चे माल का उनके द्वारा प्रयोग किया गया। जैसे देखिए सबसे पहले मैंने लिखा है पत्थर। तो डिफरेंट तरह के पत्थर जिसमें कार्निलियन, जेस्पर, स्फटिक, क्वार्ट्ज और सेलखड़े जैसे पत्थरों से हड़प्पा के लोगों ने शिल्प कार्य किया, मोती मनके वगैरह बनाए। उसके बाद हम देखिए धातु यानी जो मेटल्स हैं उनसे भी उनके द्वारा बहुत सारी चीजें बनाई गई, जैसे कॉपर से तांबा हो गया, ब्रॉन्ज कांसा हो गया और गोल्ड सोना हो गया। इसके अलावा और बहुत सारी चीजें थी एज ए रॉ मटेरियल, जैसे शंख है, फयांस है और पक्की मिट्टी है। फयांस मैं आपको आगे बताऊंगी विस्तार से। मन के निर्माण, अब मन का जो निर्माण है उसमें बताया है कि कई बार तो सिर्फ एक ही प्रकार के पत्थर से वस्तुएं बना दी जाती थी, लेकिन कई बार एक से अधिक यानी दो और दो से अधिक पत्थरों को जोड़कर भी मन के और आदि चीजें बनाने के साक्ष्य मिलते हैं। ये बहुत ही डिफरेंट बात थी कि उन्हें इस तरह की चीजों का ज्ञान था। और साथ ही साथ उन मनकों के ऊपर सोने की लेयर, सोने की टाप, सोने का घोल चढ़ाकर भी मनके जो है वो तैयार किए जाते थे। अच्छा, ये जो चीजें तैयार की जाती थी ऐसा नहीं था कि उन्होंने कोई एक ही स्ट्रक्चर के एक ही शेप की बनाई थी। मैंने आपको प्रीवियस पिक्चर में दिखाया कि डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के ये मनके बनाते थे, जैसे चक्र आकार के, बेलन जैसे आकार के, गोल आकार के, ढोल जो होता है बजाने का उसके आकार के, और कुछ हमें खंडित भी मिले हैं यानी टूटे हुए। इनका डेकोरेशन भी किया जाता था। डेकोरेशन में बताया कि इनके ऊपर उत्कीर्ण यानी ऐसे खोद के इन पर चित्रकारी की जाती थी, कुछ रेखाएं बनाई जाती थी, इनको ब्यूटीफुल बनाया जाता था। और मन के निर्माण की जो टेक्निक्स हैं, अब मन के बनाने की तकनीकें क्या थी, उस तकनीकी को टेक्निक को समझने के लिए हमें एक बात समझनी पड़ेगी कि हम उसमें कौन सा मटेरियल यूज कर रहे हैं, किस तरह की चीज से हम बना रहे हैं, उसी पे डिपेंड करता था कि उसकी टेक्निक क्या होगी। जैसे यहाँ पहला एग्जांपल लिया पत्थर का, पत्थर भी सभी प्रकार के होते थे, कुछ पत्थर बहुत ही सख्त होते थे, कुछ बहुत ही मुलायम होते थे। तो यहाँ एक एग्जांपल लिया है सेलखड़ी का। सेलखड़ी एक पत्थर है, ये मुलायम पत्थर होता था और बहुत ही इजीली इसे काम करना पॉसिबल था। इतिहासकारों को ऐसा ज्ञात होता है कि इसका जो चूर्ण होता था, सेलखड़ी का पत्थर का जो चूर्ण है उसके लेप को, उस चूर्ण को एक शेप, एक ढांचे, एक सांचे में, एक इस तरह के स्ट्रक्चर में ढाल कर पहले भर दिया जाता था, फिर उसको उस सांचे में एक समय तक रखा जाता था, और उसके बाद उसमें से उस जो सांचा है, जिस शेप का वो सांचा है, उस शेप के विशिष्ट आकार के मनके तैयार किए जाते थे। जैसे हम घरों में समोसा या अद्य इस तरह की बहुत सारी चीजें बनाते हैं, उसका एक सांचा होता है शेप, उसमें जिस तरह से हम मटेरियल फिल करते हैं फाइनली प्रोडक्ट उसी शेप का तैयार होता है, उसी प्रकार का ये इनका कुछ सांचा हुआ होता होगा।
हम बात करें कि सेलखड़ी के बहुत ही छोटे छोटे मनके मिले हैं। इतिहासकार इस बात पे बहुत ज्यादा सरप्राइज प्रेजेंट करते हैं। ये उनके लिए पहली बना हुआ कि इतने बारीक इतने सूक्ष्म मनके वो उस समय किस तरह से तैयार कर दिए जाते थे उनके द्वारा, ये इतिहासकार समझ रहे हैं, समझने में लगे हुए हैं, सरप्राइज शो करते हैं। अच्छा, दूसरा देखिए कार्नेलियन। कार्नेलियन भी एक पत्थर है। कार्नेलियन पे पहले 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है कि कार्नेलियन जो है वो अपना लाल रंग कैसे प्राप्त करता है। तो बच्चों समझिए कि जो लाल रंग है वो उसको पकाने पर आता है। जब किसी भी प्रोसेस से कोई चीज गुजरती है और उसे पकाया जाता है, तो पकाने के बाद यानी कार्नेलियन के पत्थर जो है बेसिकली पीले रंग का होता है, और पीले रंग के पत्थर को जब विभिन्न शेप से वो गुजरता है, चरणों से गुजरता है, उसे आग से पकाया जाता है, तो क्या होता है वो फाइनली लाल रंग का हो जाता है। तो बस आपको इतनी सी बात समझनी है कि उत्पादन के विभिन्न चरणों में पीले रंग का जो कार्नेलियन है वो फाइनली लाल रंग का बन जाता है। तो अब आगे समझिए कि जो पत्थर है ये कार्नेलियन के पत्थर से किस तरह से चीजें तैयार की जाती थी। तो बताया कि पहले इसे बड़े साइज का जो पत्थर है उसको तोड़ा जाता था। जब तोड़ते थे तो वो कोई फिक्स्ड शेप में नहीं टूटता था, वो अपरिष्कृत वो अलग अलग तरह की शेप जो हम जो हमें नहीं चाहिए उस तरह की शेप्स में वो टूटता था। फाइनली उसे बड़े से छोटे पत्थर में तब्दील किया जाता था और उसके बाद उसे शल्क मतलब डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स उसकी उन पत्थरों से निकाल कर उसे शेप दे दी जाती थी, और शेप देने के बाद उन्हें खिसाई की जाती थी, उनकी पॉलिश की जाती थी और उसमें छेद निकाल के उसको तैयार किया जाता था। तो इस तरह से डिफरेंट जो उसके उत्पादन की प्रोसेस है उससे वो गुजर के एक फाइनल प्रोडक्ट तैयार हो जाता था। ये बताया है कि चरहुदड़ो, धोलावीरा और लोथल जो है वहां छेद निर्माण के उपकरण मिले हैं। तो आप ये समझिए कि हमारे 1 मार्क्स के क्वेश्चन भी CBSE ने लागू कर रखे हैं। तो इस तरह के डिफरेंट डिफरेंट जो पॉइंट्स हैं उनमें से बहुत सारे 1 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं। तो इसको पढ़ते टाइम आप 1 मार्क्स के क्वेश्चन अलग से सेपरेटली अपने नोटबुक में बना लें। आइए हम देखते हैं कि पत्थर के अलावा और बहुत सारी चीजों से के अवशेष मिले हैं। तो जैसे नागेश्वर बालाकोट में शंख के बहुत सारी पुरावस्तुएं मिली हैं, चूंकि समुद्र तट के नजदीक थे तो समुद्र के नजदीक है तो इजीली वहां शंख अवेलेबल था। तो यहाँ बताया कि शंख की बहुत सारी पुरावस्तुएं मिली हैं, जैसे चूड़ियां, करछियां, इस तरह की चीजें मिली हैं और उनपे डिजाइन बनाने के 25 कार्य करने के भी संकेत मिले हैं। ऐसा माना जाता है कि शायद चनहुदरो और लोथल जैसे जो छोटी बस्तियां हैं उनसे सामान तैयार करके, ये अनुमान लगाया गया है, उनसे तैयार करके मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे जो बड़े शहर हैं संभवतः वहां ले जाया जाता था। मिट्टी से भी बहुत सारी चीजें बनी हैं और बेसिकली बड़ी संख्या में मिली हैं। ये है पोटरी, मृदभांड यानी मिट्टी के बर्तन, जो हमें आज दिल्ली का जो नेशनल म्यूजियम है राष्ट्रीय संग्रहालय और जो लोथल का लोकल म्यूजियम है स्थानीय संग्रहालय वहां हमें आज भी देखने को मिलती हैं। अगर आपको कभी इन स्थानों पे घूमने का अवसर प्राप्त हो तो प्लीज आप जाइए, विजिट कीजिए और इनको अपने आंखों से प्रत्यक्ष डायरेक्टली देखने की कोशिश कीजिए। तो ये देखिए, ये मैं आपको पहले दिखा चुकी हूँ, डिफरेंट शेप के मनके हैं, पोटरी हैं, मालाएं हैं और ये माइन्यूट बहुत ही बारीक बारीक मनके बनाए हुए हैं और ये कुछ मिट्टी के बर्तन हैं। अब एक बहुत ही बड़ा सवाल आपके माइंड में उठ रहा होगा कि जो इतिहासकार हैं वो उत्पादन केंद्रों की पहचान किस प्रकार करते थे, यानी उन्हें कैसे पता चलता था कि कोई भी प्लेस है वहां उत्पादन कार्य है, आर्टिफैक्ट्स के जो वर्क है, शिल्प कार्य जो है वो होते थे, वो कैसे पता चलता है। तो उत्पादन जो का स्थल है उनके बारे में इस प्रकार पता चलता है कि जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट हैं, पुरातत्वविद हैं, जब वो खुदाई करते हैं तो बेसिकली वो क्या ढूंढते हैं, उन्हें कौन सी चीजें मिलती हैं, तब वो कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि यस ये शिल्प कला का केंद्र था। जैसे प्रस्तर पिंड, पत्थर के टुकड़े, स्टोन के जो टुकड़े हैं, पूरे शंख यानी कम्प्लीट जो शंख है वो उन्हें मिल गए, या किसी भी प्रकार की जो मेटल है तांबा या जो भी वो मेटल यूज करते थे कांसा, उसके कुछ अवशेष मिले, कुछ वहां टुकड़े मिले, कोई चीज वहां मिले उसकी बनी हुई, या वहां टूल्स औजार मिले, प्लस इसके अलावा कुछ ऐसी वस्तुएं जो इनकम्प्लीट है वो भी वहां मिल सकती हैं, और ऐसी चीजें जो उनके यूज की नहीं है या बनाते टाइम वो खराब हो गई हैं, उन्हें छोड़ दिया गया, त्याग दिया गया, ऐसी चीजें मिल सकती हैं।
और सबसे इम्पोर्टेंट जो अवशेष है, सबसे इम्पोर्टेंट जो एविडेंसेस हैं, वो है कूड़ा करकट। यानी उस स्थान पे कोई भी चीज बनाएंगे तो उसका कूड़ा करकट जरूर मौजूद होता है, जिसे जनरली लोग साफ नहीं करते, वही छोड़ देते हैं। तो कूड़ा करकट सबसे इम्पोर्टेंट साक्ष्य है ये जानने का कि उत्पादन केंद्र, ये स्थल उत्पादन केंद्र है या नहीं है। तो जो कूड़ा करकट है उसके बारे में कुछ बताया है कि शिल्पकारी के सबसे बेस्ट एविडेंस, सबसे बेस्ट संकेत इसी चीज से मिलते हैं। किसी भी चीज को, शंख हो या पत्थर हो, उसको स्थान पे काटा जाता है, टुकड़ों में तोड़ा जाता है, और ये जो भी इस तरह का वेस्ट चीज है वो वहीं आसपास फेंक देते हैं या वहीं पड़े रह जाते हैं। या फिर बनाते टाइम कोई चीज जो उनके शेप की नहीं बनी, छोटी बड़ी बन गई या उनके यूज के नहीं है, वो चीजें भी उसी स्थान पे वो छोड़ देते थे। इसके अलावा ये जो टुकड़े हैं, इन टुकड़ों के संकेत विशिष्ट जो केंद्र हैं, जैसे हमने चंद्रगुड़ की बात की, हमने लोथल, बालाकोट, नागेश्वर की बात की, इनके अलावा भी इस तरह के अवशेष मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसी बस्तियों में मिलते हैं। तो इसका अनुमान ये लगाते हैं कि शायद यहाँ भी निर्माण कार्य जो है उत्पादन, जो शिल्प उत्पादन है, वो शायद यहाँ भी होता था। इन वस्तुओं का निर्माण कार्य यहाँ भी होता था, लेकिन संभवतः बड़े पैमाने पे शायद चन्हुद्रो जैसे स्थलों पर हुआ होता होगा। तो स्टूडेंट्स, ये हमने छोटा सा टॉपिक देखा है, मैंने इसे थोड़ा जल्दी बनाने की कोशिश की है ताकि थोड़ा जल्दी अपलोड हो, आपके पास जल्दी पहुंचे। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। अगर कुछ भी प्रॉब्लम लगती है तो आप कमेंट करके बताइए। थैंक यू फॉर लिसनिंग।